जिसको लो फील ना होता हो और जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, हमारे जीवन में भी होता है और सबका अपना निकलने का तरीका होता है। मुझे लगता है कि जिस समय मुझे लो फील होता है, मैं उस समय लो फील करती हूँ और पूरी तरह करती हूँ, जितना हो सकता है उतना करती हूँ। क्योंकि क्यों बनना मुझे, ऐसे क्यों बताना मुझे कि नहीं मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं तो अभी बाहर निकलूंगी, एक गाना सुनूंगी और मैं वहाँ जाऊंगी। उस समय नहीं होता, मेरा कोई मन नहीं होता। मेरा मन होता है मैं ऐसे चादर से मुंह ढकूं और सो जाऊं और कुछ सैड सॉन्ग लगाऊं और मैं। लेकिन हर सुरंग से निकल के एक लाइट वेव मिलता है, तो वो जो लो फील वाला होता है ना, वो वही सुरंग होती है। और उसके बाद से आदमी हर चीज़ से बोला था। मेरा अपना अनुभव यही है, और मेरी शायद नेचर मेरा यही है कि मैं हर चीज़ से एक दिन बोर हो जाती हूँ, और मैं ना दुखी रहते रहते भी बोर हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, पहली बात कि आप डिसेबल्ड कैसे मानते हैं किसी को। पहली बात तो आप अपने विचार से किसी को डिसेबल्ड मानते हैं। मैं देखता हूँ कि जनरली मेरे दिमाग में भी यही बातें आती हैं जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, कि हम जब किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो स्पेशल है और उसके साथ समस्याएं हैं उस, तो हम उसके हमारे मन में दीन भावना आ जाती है, और उसको हम जो जब कोई चीज़ ऑफर करते हैं तो बेचारगी वाले भाव से ऑफर करते हैं। और मुझे लगता है यही भाव कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था को या पूरे सिस्टम को ख़राब करता है। ऐसा कि कंचन जी ने कहा कि अगर एसेस दे दिया जाए, मतलब उनको वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, मतलब बिल्डिंगें उस तरह की हो जाएं, व्यवस्था जैसे कि आप कोई डिसेबल्ड है और व्हील चेयर से चलता है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर सकता है क्योंकि उस तरह की व्यवस्था नहीं कि वो बस में चढ़ सके या तो वो अटेंडेंट लेकर चले, बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं को पहले सुदृढ़ करना पड़ेगा इस विमर्श से पहले। कि जो एबल बॉडीज हैं उनका माइंडसेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, बिकॉज डिसेबिलिटी अवेयरनेस की बात करी जाए तो बेसिकली इट्स एन ऑनगोइंग कैंपेन, तो उनमें हम एबल बॉडीज का कैसे माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। अभी नानी दादी को सुना होगा, स्त्रियां जो थी या फिर दलित जो थे उनकी स्थिति 40s में क्या थी। स्त्रियाँ बाहर नहीं निकल सकती थी, उनको
बहुत बार जीव नहीं समझा जाता था। मैं किसी धर्म का अपमान किए बिना कहना चाहती हूँ कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों को जीव नहीं समझा जाता था, उनका हाँ वो ऐसा नहीं था, उनकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन कैसे बनी पहचान? लिखने से। अब राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने कहा कि नहीं स्त्रियाँ पढ़ाई होनी चाहिए, आर्य समाज आया। इसके लिए कैंपेन जो करा जाए, जो हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए मैं अभी तक इस विकलांग विमर्श जिसको मैंने नाम दिया है, ये काम हुआ नहीं था। विकलांगों की मानसिकता को समझने के लिए कभी लिखने की कोशिश नहीं की गई थी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है किसी के पास कि विकलांग की मानसिकता लिखे। और अगर वो जिसने जब जब विकलांगों के बारे में लिखा गया, तब तक उसे बहुत हीरोइक बना करके लिखा गया। ऐसा लिखा गया कि वो बहुत उनके साथ ये समस्या होगी, फिर भी उन्होंने ये जीत हासिल की। कभी उस विकलांग व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा गया जो सड़क पर घिसट करके चलता है, उसने कोई जीत नहीं हासिल की। उसका रोज का जीवन बड़ा मुश्किल होता है, वो उतने में भी कैसे सरवाइव करता है। आज मैं एक लड़की को बुलाना चाहती थी, मैं अपनी व्यस्तता में नहीं बुला पाई, ये बहुत मुझसे गलती हो गई। सफिया नाम है उनका, उनका सिर्फ गला चलता है। वो उनको शायद पैर में भी दिक्कत है, मल्टी डिसेबिलिटी है, और हाथ में भी है, तो वो केवल गा पाती हैं, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कभी विकलांगों की जब कहानी लिखी जाएगी, विजेताओं की कहानी लिखी जाएगी, तो सफिया की कहानी नहीं लिखी जाएगी। सफिया हमेशा बेचारी के रूप में ही जानी जाएगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि जब हम लिखेंगे, जब हम बोलेंगे, जब हम इस तरह की, जैसे आज हम लोगों ने इस तरह की कॉन्फ्रेंस रखी है, इस तरह के कॉन्फ्रेंस रखेंगे, जब हम आंदोलन करेंगे, जैसे मैंने मांग की, मैंने कई जगह प्ली भेजी, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद मेरी बाध्यताएं थी, इसके बावजूद मैंने बहुत जगह एप्लीकेशन भेजी कि फला फला बिल्डिंग्स को व्हीलचेयर एक्सेसिबल होना चाहिए। केंद्रीय भवन जहाँ मैं काम करती हूँ अपने आप में एक मॉडल है एक्सेसिबिलिटी का, वहाँ आप जैसे जाइए अपनी कार आराम से पार्क करिए और वहाँ से उतरिए और कहीं भी चले जाइए, वॉशरूम से लेके सब कुछ एक्सेसिबल है।